देखिए क्वेश्चन दिया है, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, इसमें कह रहा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिए, इधर लिखा हुआ है साइन और पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। अगर हम जो इधर 1 लिखा हुआ है अगर इसकी वैल्यू रख लें, और वैल्यू किस रूप में रखें, जो इधर लिखा हुआ है साइन, तो अगर साइन के रूप में वैल्यू रख लें तो दोनों तरफ से साइन हट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। 1 साइन कितने का मान होता है, साइन 90 का मान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन 1 होता है 90 का मान π/2। अब देखिए दोनों तरफ साइन है, साइन साइन हट जाएगा, इसमें काटते नहीं है, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, राइट। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो हम एक काम करते हैं, इस कास वाले पद को इधर कर लेते हैं, कास वाले पद को इधर कर लेंगे। या एक चीज़ तुमको हम और बता दें, और आसान चीज़, इसको इधर मत करिए आप, आपको हमने एक फार्मूला बताया था, याद करिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। तो जहाँ भी π/2 लिखा है वहाँ उसका ये मान रख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स। देखिए आगे, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 का मान साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए, कास इनवर्स एक्स इधर भी है, कास इनवर्स एक्स इधर भी है, दोनों क्या हुए, कैंसिल हो गए। अब इधर बचा क्या, साइन इनवर्स 1/5 और इक्वल टू इधर क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, राइट। अब देखिए दोनों तरफ साइन है, साइन हट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/5, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। देखिए हम आपको बता रहे थे, आपका लेसन है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर ही 14 है, समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी बुक का, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइए। देखिए इसमें हमने एक आपको फार्मूला बताया था, दोनों देखिए टेन के हैं, आपको हमने एक फार्मूला बताया है, फार्मूला हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला लगाएंगे तो एक्स का मान ये पूरा हो गया, वाई का मान ये हो गया, इन दोनों मानों को इस फार्मूले में रख देंगे, हल करेंगे, इधर π/4 हम ऐसे रखेंगे। जब हमें मान निकालना होता है तो दोनों साइड लेके हम करते हैं, लिखेंगे टेन इनवर्स, ये फार्मूला लगेगा एक्स प्लस वाई, एक्स के स्थान पर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस वाई की जगह में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये ऊपर का आ गया, नीचे 1 माइनस दोनों का इंटू होगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ये हमने फार्मूला लगाया है, अब हम इस टेन को इधर करेंगे, ये टेन इनवर्स है, इधर जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, टेन π/4 हो जाएगा, तो टेन π/4 का मान 1 होता है, वो बाद में रखेंगे, इसको हम हल करेंगे। इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है कि नीचे वाले टर्मों का इंटू कर देते हैं, एक्स माइनस 2, देखिए हम इसको थोड़ा इधर से लगाते हैं, नहीं तो आ नहीं पाएगा ये, देखिए ये आ गया, इसमें एलसीएम लेंगे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, देखिए इस टर्म का इधर इंटू होगा एक्स माइनस 1, इसमें इंटू होगा एक्स प्लस 2 प्लस इसका इधर होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, राइट।
नीचे देखिए, नीचे दोनों का इंटू हो जाएगा, इसके अपॉन वन मान के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ये हमने इन दोनों में एलसीएम लिया है, एक लाइन हम यहाँ से खींच ले रहे हैं, ये मेन एलसीएम यहाँ वाला हो गया। अब ये जो टर्म नीचे है ये ऊपर आएगा, ध्यान दीजिए, चूँकि हमने पूरे में एलसीएम लिया है, एक बार माइनस और एक बार प्लस है, फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस, इसमें फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस से साइन बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये नीचे वाला पूरा टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एस कल टू टेन इधर आया था तो ये आ गया टेन पाई बाई फोर, राइट। अब देखिए, अब इसको हम हल करेंगे, इन दोनों का इंटू होगा प्लस इसका इंटू करेंगे, नीचे क्या आया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हो गया, माइनस फोर में वन माइनस होगा माइनस थ्री आएगा, राइट। तो आगे देखिए हम इसको हल कर रहे हैं, इन दोनों टर्म का इंटू करेंगे, एक्स का एक्स में आएगा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वन में करेंगे माइनस एक्स, टू से करेंगे प्लस टू एक्स, और टू का वन में करेंगे माइनस वन में माइनस टू, प्लस एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का वन में करेंगे प्लस एक्स, माइनस टू का एक्स में करेंगे माइनस टू एक्स, माइनस टू का वन में करेंगे माइनस टू अपॉन, ध्यान दीजिए नीचे सब कट गया है, फोर में से वन जाएगा माइनस थ्री आ गया, एस्कल टू इसमें टेन फोर्टी फाइव का मान कितना आया वन हो गया, इसका क्रॉस इंटू कर लेंगे मल्टीप्लाई, देखिए इसमें माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कट गया, सब कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर जुड़ेगा, टू एक्स स्क्वायर आया और नंबर में माइनस टू मिलाकर क्या आएगा माइनस फोर आएगा, थ्री का उसमें करेंगे माइनस थ्री आ गया। अब फोर को आप इधर कर दीजिए तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर, इसको हल करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू, अब x का मान निकालेंगे तो इसमें क्या लग जाएगी रूट लग जाएगी, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट वन बाई टू, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इनवर्स था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे वन माइनस एक्स वाई, हल किया, हल करने से वैल्यू आ गई, ओके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन टू पाई बाई थ्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए हमने आप लोगों को बताया था कि जो साइन का मान होता है माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक होता है, इसमें हम इसको चेंज करेंगे, तो देखिए जो इसका एक एंगल लिखा है टू पाई बाई थ्री, तो इस टू पाई बाई थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री। अब ध्यान दीजिए पाई माइनस पाई बाई थ्री हमने बनाया इसको, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई का मतलब 180 होता है, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये फार्मूला है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे ये पाई का मतलब 180 है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको एक लाइन और आगे हल करेंगे, साइन इनवर्स अंदर आ गया साइन थीटा यानी पाई बाई थ्री, साइन इनवर्स और साइन दोनों हट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई थ्री, यही इसका मान हो गया, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, देखिए इसमें भी आपने पढ़ा था, हमने बताया था इसका भी एंगल कितना लेते हैं, याद करिए माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर, तो इसको चेंज करेंगे, देखिए इसको चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, यही चीज तुमको समझना है, tan इनवर्स tan इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई फोर, जरा देखिए जो हम हल कर रहे हैं तो इस हल करने पे मान हमारा वही आना चाहिए, अगर एलसीएम लें तो 4 पाई आएगा और 4 पाई में से पाई घटेगा तो 3 पाई बाई फोर आ जाएगा, तो वही चीज़ तो है, और ये जो फार्मूला आया इधर ध्यान दीजिए, ये जो फार्मूला आया इसका फार्मूला होता है tan 180 माइनस थीटा, ये किस कोऑर्डिनेट में है, किस चतुर्थांश में, दूसरे में है, और दूसरे में टेन का मान किस में होता है, माइनस में होता है,
180 में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन मान माइनस में होता है, इसका मान क्या आएगा, माइनस टेन थीटा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए इधर 180 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस टेन थीटा, तो ये आ गया टेन इनवर्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आएगा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन पाई बाई फोर, ये माइनस कहाँ जाएगा आगे, तो माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, ऐसे देखिए टेन इनवर्स और टेन दोनों हट जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई फोर, ये इसका मान हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टेन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2, बहुत ध्यान दीजिए बाहर क्या लिखा हुआ है टेन, तो अगर हम इस पूरे को अंदर हल में, अंदर का पूरा टेन इनवर्स में हल कर लें, तो टेन और टेन इनवर्स हट जाएगा, इधर ध्यान दीजिए बाहर टेन लिखा हुआ है, अगर इस पूरे को अंदर टेन में बदल लें और हल कर लें, टेन इनवर्स में मान आ जाए, तो टेन और टेन इनवर्स हट जाएगा। तो एक तुमको बहुत अलग और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, सुनिए इधर, ये देखो साइन दिया हुआ है, इसको हमें टेन में बदलना है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हमें इसको टेन में बदलना है, टेन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस निकाल लीजिए, देखिए इधर इधर बहुत ध्यान दीजिए, इसमें देखिए हमें ये मालूम है परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस एच दिया है 5, बेस निकाल लो, तो बेस किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बेस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, इसका आ जाएगा 16 और 16 की रूट वैल्यू कितनी होगी 4, बेस हमें मालूम हो गया बेस 4 आया, तो अगर इसको हम टेन में चेंज करना चाहें तो टेन में हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था 3 और बेस कितना आया 4, यानी जहां पर साइन इनवर्स 3/5 लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 3/4, समझ में आ रहा है। आगे देखिए काट दिया है, काट का आपने पढ़ा था, टेन इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, उलट जाता है, उलट जाता है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया हमारा टेन और अंदर जहाँ साइन इनवर्स था उसमें किसी का हम टेन में चेंज कर लिया हमने, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 3/4 प्लस आगे काट है इसको भी टेन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, ये उलट जाता है तो ये आ जाएगा 2/3, और अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें फार्मूला आया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फार्मूला हम लगा देंगे तो देखिए इसमें आगे वैल्यू क्या आएगी, टेन ऐसे आ गया, इसमें फार्मूला लगेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो एक्स का मान 3/4 इंटू वाई का मान 2/3, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए टेन और टेन इनवर्स है ये दोनों हट जाएगा, इसको हम हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम में दोनों का इंटू होगा, 4 3 12, 3 का 3 में होगा 9 और 4 का 2 में होगा 8, ये ऊपर आ गया, नीचे देखिए नीचे दोनों में एलसीएम लेंगे, 4 3 12, तो 12 का 1 में इंटू होगा, ये 12 आ गया, माइनस 1 का इसमें करेंगे 6 आ गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, आगे हल करेंगे 8 और 9 मिला के 17 और 12 से 6 गया, ये 6 आ गया, तो इस क्वेश्चन में जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 17/6, समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बाय 10 था, साइन को हमने 10 में बदला, कैसे बदला, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया था, बेस निकाला, बेस आया, 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मान निकाल लिया, और काट को चेंज किया, काट इनवर्स अगर दिया है तो 10 इनवर्स क्या होता है, इसका एंगल उलट जाता है, 2/3 हो जाएगा। ओके देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19, कास इनवर्स कास 7/6, देखिए इसमें हमने आपको नोट बताया था माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक, याद आया कास में बताया था माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक, ये हमने आपको नोट लिखाया था पहली एक्सरसाइज में, राइट, तो इसको हम चेंज करेंगे, 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम पाई के रूप में लिखेंगे पाई माइनस, तो 6 पाई में घटाएंगे तो 7 नहीं आ सकता, हमें ऐसा घटा के लिखना है कि 7 आ जाए, हमें ऐसा एंगल लिखना है
कि वो फार्मूले में भी हो और ये वैल्यू भी आ जाए। तो देखिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। जैसे हम लिख, अगर इसमें लिख दें हम 2π, अगर 2π लिख दें तो 6 से गुणा होगा, 6 × 2 = 12 आएगा। अब आगे कितना लिखने के साथ आ जाए, 5π/6। ध्यान दीजिए इधर, इधर सुनो, हमारा एंगल था 7π/6, हमारे पास इसका वैल्यू होता है −π से +π तक, यानी जो लेना है पाई में लेना है। इधर सुनिए, अब हमें ऐसा तोड़ना है इसको, ऐसे फार्मूले में लिखना है पाई या 2π में कि हल होके ये आ जाए। अगर आप पाई में लिखेंगे तो 6π में ऐसा कुछ नहीं घटाए, 7π आ जाए। लेकिन अगर हम 2π लिख लें तो 2π में 6 × 2 होगा, 12π आएगा, और 12 में से कितना घटा देंगे 7 आ जाए, 5 घटाने पे 7 आ जाएगा। तो 2π − 5π/6 इसको लिखेंगे, इसको हल करने पे यही आएगा। और याद रखिएगा 2π का मतलब कितना हुआ, 180 दो ना 360, और 360 में कोई चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। cos 360 माइनस थीटा है तो चौथे चतुर्थांश में होगा, और चौथे में cos का मान धनात्मक होता है तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, cos ये एंगल आएगा, तो इस कल्टू ये क्या आ गया, cos इनवर्स cos 5π/6। ये cos और cos इनवर्स दोनों हट जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5π/6। ये इसका हमें मान बताना था कि इसका मान बता। देखिए अगला क्वेश्चन है 20, साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में −1/2, और इस पूरे की हमें वैल्यू बतानी, का मान बताना है। बहुत ध्यान से देखिए, साइन के अगर एंगल में माइनस हो तो माइनस आगे आ जाता है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया साइन ये π/3 माइनस, या माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन इनवर्स ऐसे रहेगा। ध्यान दीजिए ये जो माइनस तो आगे चला गया, प्लस हो गया, 1/2 साइन कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, और साइन 30 का मतलब कितना हुआ, π/6। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन दोनों हट जाएंगे, दोनों हट जाएंगे तो बचेगा क्या, साइन ये π/3 कितना होता है, 60 होता है, प्लस साइन साइन हट जाएगा, π/6 क्या होता है, 30 होता है, 60 और 30 मिला के साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है। ये इसका आंसर आ गया।